रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर। गढ़वा जिले के बडीहा प्रखंड के लिए तलाश रिपोर्टर की आवश्यकता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल में झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत 28 फरवरी से ही यज्ञ प्रारंभ है। इस महायज्ञ में प्रवचनकर्ताओं के द्वारा प्रवचन किया जा रहा है, जहां हजारों की संख्या में प्रवचन का श्रवण करने वाले श्रोताओं की भीड़ लगती है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा नेता जय कुमार सिंह, यज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, सचिव गुड्डू सिंह, ललित बैठा के द्वारा लगातार सभी जगहों पर सख्ती के साथ तैनात है। वहीं श्रद्धालुओं के द्वारा यज्ञशाला का परिक्रमा भी किया जा रहा है। भक्तगण सभी मंदिरों में जाकर देवी देवताओं से मनौती मांगते हैं व पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाते हैं। वहीं श्रृंगार स्टोर, पुस्तकालय, खिलौने, मिठाई, साग सब्जी की दुकानें लगी हुई है। बता दें कि शनिवार को क्षेत्र विधायक सतबिनी झरना तीर्थस्थल के अध्यक्ष रामचंद्र चंद्रवंशी का आगमन हुआ। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। प्रवचन मंच पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास ही नहीं सतबहिनी झरना तीर्थस्थल में पूर्ण विकास होगा। उन्होंने कहा कि सतबहिनी माई की कृपा है मुझ पर। उन्होंने हाल में ही कई योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि जल्द इस तीर्थस्थल के धरातल पर दिखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रासलीला का भी आयोजन किया गया है, दर्शकगण शांतिपूर्वक इसका आनंद लें। मौके पर अजय सिंह, रामलला दुबे, ललित बैठा, प्रवीण सिंह, गुड्डू सिंह, योगेंद्र राम सहित अन्य कार्यकर्ताओं के अलावे हजारों की संख्या में दर्शकगण भी उपस्थित थे। संत का विजय हो रहा है। आप देखिए आज कहां कौन जगह सच्चा है, कौन जगह झूठा है, आप समझ सकते हैं। बाकी गरीब लोग गुमराह में पड़ जाते हैं। मैंने जब राष्ट्र बुला तो हमने एक झूठ किया नहीं था। खाली लोग क्या कर रहे थे, काम से जुटते थे, मन भोग बनता था और विधायक बनाते थे, मंत्री बनाते थे और उसको गिरा के सोने के लिए चले जाते थे। यही यहाँ का वोट का भी नहीं था और गरीब लोग जाता उसे जमीन लगा जाता उसको कमी नहीं देना। हमने जब अपने को लिया ट्रस्ट अध्यक्ष बनाया है तो छठ गाय काम अभी देखिए शुरू हो गया और पानी दिया मेरे दोनों तरफ गेट का काम पूरा हो गया। 40,000 सोलर लाइट को हमने लगवाया, मध्य में 120 शौचालय पूरा हो चुका, 420 शौचालय में तैयार हो गया, नीचे पोल के चौड़ीकरण पूरा हो चुका है। स्टील और लाइट आई, स्टील साइज का भी काम चल रहा है। रोड को आप देख रहे हैं कि पानी का रोड पुल नहीं था, उसको हमने बनवाने का काम किया। सोलर लाइट आई से देवस्थल जगमगा रहा है। ये तो हो गया और एक हॉस्पिटल भी हमने बनाया, बन रहा है जो सभी एरिया का इलाज होगा। 10 करोड़ के काम, 11 करोड़ के काम हुआ। अभी हमने जब अभी जन्म के पहले मुख्यमंत्री से बात किया कि आप पर्यटक स्थल है, आप इसके पर्यटन स्थल में आपको महोत्सव बनाने के लिए चलना होगा, कहीं भी चलेंगे। हमने कहा कि पहले समुदाय भवन के लिए बना दीजिए, पर्यटक यात्री से को जाएंगे आपके लोग उसके पहाड़ की व्यवस्था हम कर रहे हैं, पता शांति बनावे, सारे खाना हो, पानी हो, सोने का इंतजाम हो और जहां जहां हिंदू जो है गड़बड़ है उसको संकरण करेंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे, जिन्हें उद्धार करेंगे, प्रवचन मंच बहुत बड़ा बना रहे हैं, उठाया जाएगा। मेन रूप से पर्यटक स्थल के लिए सीसीटी पर हम बनाने जा रहे हैं। अभी समय ज्यादा हम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आप लोग रासलीला लिखने आए हैं। भगवान करे आप लोग, भगवान कृष्ण आपका आशीर्वाद दे, फले फूले। आप देखिए अभी जो भाषण आप दे रहे हैं कितना लोगों को तकलीफ।